हिसार से सुनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी नमस्कार मैम। अतीम जी। जय हिंद, स्वागत है आपका बहुत बहुत। मैडम मेरे 3-4 सवाल है मैडम, आप जरा नोट कीजिए मेरे सवाल। सर बताएं। एक गुड़िया है सर, 9 महीने की गुड़िया है सर। वो बार बार बाथरूम कर देती है सर, पर ये लोग गांव में रहते हैं। बार बार मतलब सारी रात 20-20 मिनट बाद वो बाथरूम करती है। एक तो ये प्रॉब्लम है उनकी, और दूसरी ये प्रॉब्लम है सर कि क्या गोमूत्र चिलगोजा जो यूरिन के लिए आप बताते हैं सर, क्या पानी से ले सकते हैं हम? क्योंकि मेरी गुड़िया सर बाहर पढ़ती है, तो दूध का वहाँ अवेलेबल थोड़ा सा मुश्किल होता है। वहाँ हॉस्टल में रहती है तो दूध कभी मिलता है कभी नहीं, तो क्या वो पानी से ले सकती है सर? और कितनी तीसरा बड़ी सवाल सर, गुड़िया, कितनी उम्र वो बताई? आप जी उसकी 21 की उम्र है, और सर जो आपने ये सरसों की खल बताई थी सर, ये मेरी गुड़िया से खेत जब जुए हुई थी सर, थोड़ा सा बाल नहीं आए जैसे, तो वो कितने गोल मोरिंगा तो ले रही है सर 2 महीने से, तो ये जो सरसों की खल है ये कितने टाइम मेरे पे लगाए, और हफ्ते में कितनी बार लगाए ये सरसों की खल? और चौथा सवाल मेरा सर ये है कि अब मेरी गुड़िया ने जैसे कान बिनवाए थे सर, जो ऊपर वाले कान पे ना चने की बराबर एक थोड़ी सी घूमड़ी सी निकल आई है, वो दिखाई देती है, तो वो कैसे ठीक करे सर? और एक तो मेरा सवाल है सर, मैं यूरिन के लिए अपना लेती हूँ ये अलसी वगैरह, इसमें आप खट्टाई मना करते हैं सर, कि मेरे जैतून का सिरका लेना है, तो ये मैं कैसे लूँ सर? किसके साथ लूँ जैतून का सिरका? बस मेरे ये सवाल है सर। अच्छा, वो बच्ची जो बाथरूम कर देती है उसकी उम्र कितनी है? कोई छोटी बच्ची भी है नौ क्या? महीने अपने लिए इनका सवाल था, यूरिन के लिए अलसी वाला नुस्खा ले रही हैं, जैतून का सिरका जो है वो किसके साथ लिया जा सकता है? जैतून का सिरका आप अकेले भी ले सकते हैं। जैतून का सिरका आप अदरक लहसुन और नींबू के रस बराबर बराबर वजन में मिलाकर भी ले सकते हैं। जैतून का सिरका सालन में मिलाकर भी ले सकते हैं। आप दिन में एक बार या दो बार लिया करें और फायदा उठाएं। जी बाल के लिए जो सरसों की खल का जिक्र किया था, तो हफ्ते में कितनी बार लगाना है? अच्छा, रोजाना भी लगा सकते हैं अगर, या कभी कभी तो लगाया करिए, रोजाना भी लगाया करें तो कोई बात नहीं है। ये जो हमारे स्किन के सुराख कभी बंद हो जाते हैं उसकी वजह, उसको खोलने की ताकत रखती है ये। और गॉन मोरिंगा वो ले रहे हैं, थोड़ा इंतज़ार करें, बहुत जल्द नतीजा आना मुमकिन है। अच्छा देखिए, 9 महीने की बच्ची के लिए हम कुछ नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर वो अपनी माता जी का दूध पीती है तो गौन चिलगोजा एक चुटकी दूध या पानी से उसकी माँ को खिलाइए दिन में एक बार, बस या ज्यादा दो बार। एक बार ही पहले शुरू करें, 9 महीने की बच्ची की माँ को देना, ये कभी भी छोटी बच्ची को नहीं देना। तो ये उनकी माँ को दीजिए और माँ खाएंगी और बच्ची को फायदा होगा। ये इसका आयुर्वेद का तरीका है छोटे बच्चों के इलाज का, जो भी बच्चे दूध पीते हैं अपनी माँ का। और वो बच्ची जो हॉस्टल में रहती है 21 साल की, वो अगर चाहे तो पानी से ले सकते हैं, एक बार पानी से भी ले सकते हैं और उनको वही फायदे होंगे जो दूध से लेने पर होते हैं। जी बच्ची के कान बिंधवाए हैं, कान के ऊपर कुछ निकल गया है, वो गुमड़ी सी कुछ बता रही है। अभी कुछ दिन में वो अपना आप अच्छा हो जाता है, अभी उसके बारे में ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। और जब बिल्कुल सब कुछ सूख जाएगा तो नहाते धोते मुंह धोते, ये जो गुमड़ी सी है ये अपने आप पंक्चर होगी या हाथ से दबाकर उसको निकाल देंगे और वो नॉर्मल हो सकता है। अभी थोड़ा दिन इंतज़ार करें।